गई थी मैं अपनी मेडिसिन लेने, आँख का मेरी बुरा हाल हो रहा है और इनकी फरमाइशें नहीं पूरी होती। मम्मा ये देखो ना करो, बारी का टाइम होने लग रहा है और यहाँ जी लगाई रोटियां पका दो, बना दो। सीरियस पूछ रही हूँ तो मैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो सुबह से सोच सोच के मेरे सर में शदीद आज दर्द हो रहा है कि आज क्या पकाऊं। इफ्तारी होने में 2-2.5 घंटे रह गए और अभी तक हमारे घर में ये डिसाइड नहीं हुआ कि क्या पके। कोई कह रहा है ये बना लो, कोई कह रहा है ये बना लो, ये नहीं खाना। तो अभी तक ये चीज़ें डिसाइड नहीं हुई। मैंने कहा कि ये तो शाम तक नहीं डिसाइड होनी, मैं पहले मैं अपने थोड़े से काम कर लूँ। मैंने 2-3 दिन पहले कोफ्ते और सीख कबाब फ्रीज़ किए थे, अभी तक मुझे टाइम नहीं मिला कि उनको मैं जिप लॉक बैग में डाल के दोबारा फ्रीज़र में रख दूँ। तो पहले जाती हूँ, सबसे पहले ये काम करती हूँ, उसके बाद देखते हैं कि आज क्या पकाएं। सीख कबाब और कोफ्ते बना के मैंने फ्रीज़ किए थे, अभी तक मुझे टाइम नहीं मिला कि इनको मैं बैग्स में डाल दूँ। अब इनको भी निकालती हूँ और जिप लॉक बैग में डाल लूँगी इनको। ये वो शामिल वो सीख कबाब और ये कोफ्ते। ये क्या कर रहे हो? ये जो बनाए थे ना कोफ्ते और सीख कबाब, इनको मैं कह रही हूँ जिप लॉक बैग में डाल के रख लूँ। इनको बनाने से बहुत आसानी हो जाती है। ये है कि रमजान में पकाने की जब ना समझ आए फटाफट इनको निकाला और पका लिया। वो तो सही है, मुझे आपने कोल्ड ड्रिंक्स और कहा अभी ब्रेड ले आओ और ये ले आओ, ले ये पकाने की क्या जरूरत है? ये तो ये सिर्फ ये खाना है, रोटी नहीं खानी। नहीं आज सिर्फ ब्रेड खा लेंगे एक एक। और ये देखो ना, रमजान में ये होता है कि जितनी मर्जी थोड़ी रोटी बना लो ना बच ही जाती है। ये पराठा बचा हुआ है, ये रात की बची हुई है, क्या करूँ मैं? और क्या कह सकता हूँ, बच्चे अब बचाना नहीं चाहिए उनको, बच जाती है क्या करें, वो भी बेचारे वो पानी पी के ही उनका पेट इतना भर जाता है, रोटी फिर बच जाती है। आप भी पापा साथ गई थी शुमाल ने? हाँ जी। क्या क्या लेके आई हो? इसके बालों में पता नहीं क्या लगे, ये देखो धागा लगा हुआ है। क्या क्या लेके आई हो हुरम? को देख लो, मम्मू को देख लो। क्या देख लूं? हाँ जी। सारा सामान लेके आयो जो मम्मा ने आपको लिस्ट बना के दी थी, वो सारा लेके आयो। ऐनक भी लगा के गए थे? कैसे लगा के गए थे बताओ? हीरो पहन के, हीरो बन के गए थे। इधर आओ ना, मम्मा को ऐसे नजर कहाँ आएगा। अभी गेती वो हीरो बना हुआ है, हीरो। ये ना परसों जब स्टिकी नोट लेने गई है ना शॉप पे, वहां भी इस तरह ऐनक लगाई हुई और इसको ना बार बार ऐसे करे, दिखाओ ऐसे उतारे स्टिकी नोट, अंकल स्टिकी नोट। वो हंसने लग गया दुकानदार। स्टिकी नोट, स्टिकी नोट। चलो जी मैं देख लूं क्या क्या सामान लेके आए हो। लो जी, ब्रेड किसने खानी थी रमजान में? हमने। ये बच्चों ने कहा शाम को सैंडविच, ये रस, ये कोल्ड ड्रिंक्स। पहले इसका गला खराब है, इसने फरमाइश की होगी जरूर कोल्ड ड्रिंक्स। बाबू बच्चों की फरमाइश आपको पता है, मैंने लाजमी माननी है। हाँ जी मैंने लाजमी माननी होती है, ये मेरे उसमें शामिल है बच्चों की फरमाइशें माननी। बच्चे हैं तो मैं हूँ, ये नहीं है कि गला खराब हो जाएगा। वो दोनों उनकी कुरान क्लास हो गई है, एक और शाहकार निकल गया है। ये देखो आगे थोड़े गले खराब है, एक तो कोल्ड ड्रिंक ऊपर से फ्रिज में रख दूं। माशाल्लाह क्या कहने तुम्हारे। मम्मा कोल्ड ड्रिंक, जब उसको कोल्ड ही नहीं करना तो कोल्ड ड्रिंक कहने का क्या फायदा? मुझे ना लो जी अल्लाह काका सो रहा है, काके को बाद में सुनाना। आपकी ना कुरान वाली टीचर की कॉल आई हुई है, दोनों आप ये पढ़ रही हैं, आप भी जाके पढ़ लो जो जल्दी से, वेरी गुड बेबी बन के चले जाओ। ये कोल्ड ड्रिंक्स बाद में रखना, पहले ना मुझे वो जिप लॉक बैग दो निकाल के, मैं ना ये जो सीख कबाब आते तो खाएंगे, दो डिशें ये बनी थी एक खाई गई है एक रह गई है और वो कोफ्ते, ये दोनों ना उसमें डाल दो जिप लॉक बैग में, उधर ऊपर कैबिनेट में रखे। मेरा हाथ कहाँ जाएगा उधर ये कैबिनेट में? अब पूछो। मैंने भाई काट किया हुआ है ना कोक वगैरह का, तो इसलिए हम घर में लाए। क्यों लाए, क्यों भाई काट किया हुआ है? फलस्तीन की वजह से, हमारे फलस्तीनियों पे जुल्म हो रहा है, इस वजह से हमने बच्चों पे बहनों पे। हाँ जी ये देखो ना निकाल लिए ना, कह रही थी इतनी ऊपर से मैं कैसे निकालू, ये ऊपर है। मम्मा ये घर में थे, मुझे बताया भी नहीं आपने। आप जनाब कभी किचन में आई हो तो आपको पता होगा कि घर में क्या क्या चीजें मौजूद है। ये क्या हो रहा है, दोनों बाप बेटी लगे हुए हो, फ्रिज मेरा फ्रिज खराब करना है, फ्रिज हिल रहा है, तेरा फ्रिज खराब करना है। तूने हाथ लगाया और मेरा फ्रिज हिलने लग गया। बाबा ये लगा रहे हैं तो साथ ही इसको पकड़ के यूं खींच रहे, अभी गिराते बाबा बेटा ये देख के देख, छोड़ छोड़ एक मिनट छोड़ दो, एक मिनट ये देखो ना करो ना करो। तो ये फिर कोई चीज डालनी है ना, ये इसका जो इधर पाव होता है ना उसका नट लूज हो गया। बाबा उसको सीख रहे हैं, आप ही कह रही गिरेगा गिरेगा।
मैं गिरा थोड़ी रहा हूं, मैं तो ठीक कर रहा हूं। मैंने सिर्फ इसको फ्रिज में से वो लेने भेजा था क्या टमाटर, और इसने फ्रिज खिला दिया पूरे का पूरा। ये हालात है इसके। मैं ना एहतियात करती हूँ। हो गया फिक्स, सही तरह कर देना ये ना। ये देखो आप, देखो नहीं है टेढ़ा, देखो अब तो नहीं हिल रहा, खोल के देखो, खोल के देखो, खोल के देखो, डर देख कैसे रही है उसको, यूं यूं ला रही है पकड़ के, नहीं हिल रहा अब, सही है। ये हमारा तुवीती आया हुआ है, ये गाली चला ला हमारा तुवीती, ये कैसे चला ला, ऊपर का देख रहे हो है, लाइटों को देख रहा है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, माहिर माहिर आ जाओ, हाँ जी गाली लेके आ जाओ, इधर आ जाओ पुपो पाश, आ जाओ क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग, गाली भी चल रही माहिर की, क्लैपिंग हो रही है। तारी का टाइम होने लग रहा है, और यहाँ जी लगाई हुई है मैंने बिरयानी दम के ऊपर, और इधर ये कोफ्तों का सालन तैयार हो रहा है, गर्म है बहुत ज़्यादा, ये जी कोफ्तों का सालन तैयार हो रहा है इधर, और ये माहिर आ गया किचन में फूफो के साथ काम करवाने के लिए। आप क्या फरमा, हाँ जी है रोटियाँ पका दो, बना दो, सीरियस पूछ रही हूँ तो मैं भी सीरियस ही कह रही हूँ, रोटी बना दो। मैंने मेरे रोटियों के अलावा जो मुझसे करवाना, और क्या हो सकता है आपसे, सालन बना दो, वो भी नहीं आता उसके अलावा, उसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा ये है कि आप जाके रेस्ट करो। बना लिया वो मैंने, ये क्या मैंने है? बनाया टैंक बन गया होगा, टैंक तो मैंने बनाया ना, ये भी टैंक है, ये जामी शीरी है। हुरब का रोजा, हुरब का रोजा लग रहा है, बस अभी इफ्तारी होने वाली है, मम्मा ने ये देखो मुझे दो अच्छी बिरयानी बनाई है, कोफ्तों का सालन बनाया, भूख भी लग रही है, अभी रोटियां बनाते हैं, और हाँ ले आओ फ्रिज में से जल्दी से रोल ले आओ, ताकि दूसरी तरफ ना मैं रोल फ्राई होने के लिए रख दूँ, टाइम बहुत कम है, 6:45 हो गए, मैं 6:45 इसको रखो ना, इधर रख दो इधर, हाँ यहाँ रख दो दूसरे चूल्हे पे, वो बस कोफ्तों वाला मैं उतारने लग रही हूँ सालन, ये मैं फ्राई कर दूंगी, ये रोल उधर मैं फ्राई कर लूँ। बहुत मेहरबानी है जी आपकी, आपको इस तरह ये काम आता है, हाँ जी दही भले भी है। Later that same evening. गई थी मैं अपनी मेडिसिन लेने, आँख का मेरी बुरा हाल हो रहा है, अभी भी यहाँ इतना दर्द हो रहा है और अंदर भी, और इनकी फरमाइशें नहीं पूरी होती। मम्मा हमारे लिए फलूदा ले आना, तो अब सोने का नाम नहीं लेती मम्मा, ये क्या हमने इसी बाउल के अंदर चमचों से खाने लग जाना, गार्डन गार्डन हो रही है मेरा भी, कहती गार्डन गार्डन हो गया है, इसी बाउल में क्यों खानी है, अलग अलग प्लेटों में डालना, मैंने इसमें निकाल दिया ना सारा, फलूदा फलूदा हो रहा है, बर्फ बर्फ की दुकान, इसलिए देते हैं ना वो कि ये ठंडा रहे जाते हुए, वो कह रही है कि मम्मा मेरा दिल ठंडा ठंडा हो गया है, खाए बगैर इसका दिल ठंडा ठंडा हो रहा है। सारी सिंक में क्यों फेंक दी, तो ये सारे में पानी हो जाता है यहाँ, चलो ये लेके चलो मम्मा, शीशे वाले वो निकालते हैं बाउल छोटे छोटे, हाँ जी सही कह रही हो। अभी मैंने ना पूरा ये सिंक भरा हुआ बर्तनों का धोया, पहले मैंने धोया था सारी के बर्तनों का, और अब फिर यहाँ ढेर लगा दो, अब सहरी होने में कितनी देर है, 12 तो बज गए हैं मेरे ख्याल में, सोना नहीं है पूरी रात, ये गराना देना ही, यहीं से मैं तो कह रही हूँ दो बाउलों में डाल, यहीं से डाल के ले दो, आप कह रही हो तो नहीं सोते, हाँ सुबह स्कूल मैं चली जाऊंगी इनके हिस्से का, आज भी छुट्टी करके बैठ गई थी, मम्मा पेट में दर्द हो रहा है, बेचारियों का रोज है छुट्टी करवा ली, मैं अभी तो आपके साथ गए थे, बाबा कहाँ हैं, बाबा आ रहे हैं बाइक खड़ी करके, मेरे ख्याल में आ गए हैं, आवाज आ रही है सीढ़ियों से।